जोहार, स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूँ आपमन संग तृप्ति सोनी। पहले चरण के चुनाई खत्म हो गए है, अब दूसरे की तैयारी है। और दूसरा चरण के चुनाई के तैयारी एक ग्रह तो निर्वाचन आयोग करते थे, लेकिन बयानबाजी के लले के सलग तैयारी होते कांग्रेस और बीजेपी दोनों डहर ले ये बात के कि कैसे एक दूसरा पीछे पछाड़े जाए। बयानबाजी ऐसा ऐसा होते कि कोनो राम विचार नेताम जिन मंत्री है तेन सुर्ख नखाओ ताड़का कही दिस कांग्रेस के नेता मन लाभ कौन बर कही से ये उही जान ही। लेकिन पलटवार कर इस राधिका खेड़ा के ऐसे कहा था वह। दूसरी बात ये कि भूपेश बघेल एक मुद्दा ला उठाए है, वो मुद्दा ये कि हमन गोबर खरीदी शुरू करे रहेन तिला बीजेपी सरकार हा बंद कर दे है, जबकि दारू में अगर कहूँ कोनो उमल्ला गलती या गड़बड़ी लगी रही सकता ओकर बर दोहरा मापदंड काबर है, ओला काबर बंद नहीं करी से, ये सवाल उठाए भूपेश बघेल। देखे जाए तो तीन सीट पर अब चुनाई है, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, तीनों सीट में। दो तो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू। अब ईश्वर साहू गए हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में। कहा था वह कि साहू समाज लले के उमन वोट मांगा थे, मिल ही नहीं, सरसवाल नकार दी। कांग्रेस के अपन दावा है और बयानबाजी कैसा कैसा हो थे आवाओ सुनाथन। तो बयानबाजी आप लोग सुनाबो, लेकिन सबले बड़ी बात यह है सवाल कुछ उठा थे कि भूपेश बघेल पर राजनांदगांव का आसान है और आसान है तो काबर, काबर के पांच सीट जो विधानसभा के है वो भारतीय जनता पार्टी ले ले ला जीते ला नहीं दी से और कांग्रेस उमा बरकरार रहे है, एकर सेती का भूपेश बघेल वहां ले जीत सकत है। भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर में कैसन टक्कर है? बीरेश ठाकुर वो मनखे है जिन बीते लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोट के अंतर ले हारे रही से तकाई ऐसो भोजराज नाग ओला वॉकओवर दे दी ऐसे तक का समीकरण बन ही तीनों सीट पर एक बार चर्चा करबो। बयानबाजी कैसा है ला सुनाबो बीच में आपन ला, लेकिन चर्चा करथन शुरुआत करथन हमारे संग में पहुना मन जुड़ गए हैं सुनील चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। जोहार, स्वागत। अनिल चौहान जी हमारे संग में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपो मन के स्वागत है। जोहार। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे संग में जुड़ गए हैं, आपो मन के स्वागत है। जोहार। पहली सवाल सुनील जी आप लेकर हूँ, पहले चरण के मतदान तो संपन्न हो गए, अब दूसरे चरण के पारी है। पहले चरण पर तो गदगद आपन दिखत हो, कांग्रेस घलो अपन दावा करत है, लेकिन ये दावा और ये आवाज विश्वास में कैसन कैसन बयान हो थे? सुर्पनखा ताड़का इसने कही दे थे मंत्री है सरकार के। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सबले पहली बस्तर के हमर सबो भाई बहनी मल्ला सब मतदाता मल्ला धन्यवाद देवत हूँ कि अत बड़े संख्या में वोट करे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के जिन जीत होवा थे वो बस्तर में होवत दिखिस और सब जन निकल के वोट करे हैं, ओखर भर बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो तृप्ति जी, आप भी जाना था छत्तीसगढ़ के जैसन हाल है। छत्तीसगढ़ में आप देखो कि बयान के बयार चला थे, बयान के बयार ऐसे है कि एक जन की थे कि मोदी मारना है मोदी मरेगा, और एक जन की थे कि लाठी से ओकर सर ला फोड़ना है तैसन आदमी चाहिए। तो ये बयान वीरमन जन बयान देते ओकर बाद में अब भगवान राम के जब विषय आते, भगवान राम के मंदिर के निर्माण हुईस, भगवान राम के मंदिर निर्माण के न्योता दे गई रहीस, तो भगवान राम के विरोधी कौन है? काबर मंदिर के न्योता नहीं स्वीकार करीस? तो एकरे कारण तो भाई अब कहीं ना कहीं वो तुलना तो करे जाते ना कि भाई यदि ऐसने हो गए वैसने हो गए, तो जैन मन भगवान राम के विरोधी है ओखर मन के बारे में अब हमार राम विचार नेताम जी है कहे भाई, मैं तो कहा था ना भाई आप राम राम जी के मानने वाले हो कि राम जी के विरोधी हो? मैं आ तो अपन एक सुना देते हैं, बयान की बात करे तो बयान आ गए है, बयान सुना देते हैं सब जन के काका गुठिया थे। बंद कर दे तो शराब में और राइस मिल में इनको डाला हुआ है तो काबर बंद नहीं होते भाई? यार गोबर खरीदी पर बंद हुए हैं, ह्यूमन बंद हो जा रहा है इसे। उन लोगों को कवासी लखमा जीत गए अलग बात है, लेकिन मात्र 2000 वोट से जीते थे, क्या परिस्थितियां थी? या फिर हम ताम्रध्वज साहू जी की बात करें, भूपेश बघेल जी की बात करें, उनके कामों पर जिस तरीके से जनता ने रिजेक्ट किया उनको, ऐसे तमाम देवेंद्र यादव से लेकर ऐसे लोगों को यहां पर प्रत्याशी बना गया है। कोई सुरपणाखा बन के, कोई दुशासन बन के, कोई
और कुछ बन करके यहाँ आए, रावण से लेकर के ये काफी आगे बढ़ गया है। और ये जो विजयी रथ है, ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं है। जो जनता ई ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से नकार दिए, वो आज महासमुंद लोकसभा चुनाव में अपनी समाज के नाम से वोट मांग रहा है, जो जरूर यहाँ लोकसभा में जो महासमुंद लोकसभा का जो जनता है, समाज की जनता है, उसको पूरा नकार देगा, जमानत जब्त कर देगा, उसकी विश्वास पे भरोसा नहीं करेंगे। जिस प्रकार ये अभी विधानसभा चुनाव में उनकी भरोसे की सरकार को नकार दिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनका ये बार बार इस तरीके से गलत करना कि मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं, वो तो बार बार वो क्षेत्र में ला करके देवव्रत सिंह जी की पत्नी बता करके, प्रेजेंट पत्नी बता करके मुझे हर्ट करके पद्मा और भूपेश जी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे हमारे खैरागढ़ की जनता, हमारे वनांचल की जनता, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूँगी। भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रही है और सारा राजनाथ गांव जानता है, सारा राज परिवार जानता है, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति जानता है कि स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की असामयिक मौत क्यों हुई थी। पारिवारिक कलह, उस पारिवारिक कलह की सूत्रधार कौन थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो देवव्रत सिंह की नहीं हुई, वो कांग्रेस की कहां हुई। सुने बयानबाजी आपन, अच्छा थोकिन देर देखो मैं सुनील जी एमा बात लापन पूरा करो के कैसन कैसन बयान आते। वही मैं कहात रहे हैं कि भाई हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी कहा थे कि विजय रथ निकले है। अब विजय रथ निकले है, हम कहात हन कि भगवान राम के रथ में हमन सवार हन, भगवान श्री राम के आराधना करे वाले पार्टी हन, और भगवान राम के मानने वाला हन, राम विरोधी न हन, तो हम वही उदाहरण देवत हन। अब निकले है रथ तो कतको रास्ता में आई, यही रावण के भी ओला भी जानना है, जैन भी आई तेल सब ला जाना है कहा थे। दूसरा भी मैं भूपेश बघेल जी के बयान ला सुने, वो कहात रहीस कि दारू के विषय में कहात रहीस, भैया दारू लत घर घर आप कोरोना काल में पहुंचा है, वाला भुला गए हो का। और दूसर गोबर के बाद सबसे बड़े भ्रष्टाचार और गोबर के करे हो आप मन के खुद के महामंत्री जेनर ही चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर शुक्ला जी भरे मंच में बोले हैं कि ये गोबर ला खा डरे रिस, तैसन मुख्यमंत्री रिस आपके तो खास रिस, तो वो तो पूरा स्पष्ट करते है ना। हमला ज्यादा बोले की जरूरत नहीं, आपे मन के पार्टी वाला मन सुरेंद्र राव बताते, अरुण सिसोदिया जी बताते, तो पूरा बात स्पष्ट है भैया, उमा का बताए के जरूरत है तेन ला बताओ। ठीक है अनिल जी, बताए के जरूरत नहीं है, ये उही बात निकला थे जिन कांग्रेस ने निकल के बीजेपी में आए लोगन है, तेकर सेती बीजेपी कहां था वे। तिप्ति जी जय जोहार, आप ला आपके दर्शक मन ला हमर संगवारी जिन पैनलिस्ट है सभी जन ला जय जोहार। मैं एक निवेदन करी हूं कि बड़ा समस्या जिन है हमर छत्तीसगढ़ के सभ्यता और संस्कृति कभू ऐसा नहीं रही कि विपक्ष के नेता ला, विपक्ष के पार्टी मन के, दूसर पार्टी के आदमी मन ला राक्षस कही हो। राम विचार नेताम जी कहते हैं कि भाजपा और मोदी जी के विरोध राम के विरोध है, और मोदी जी है रामो ले बड़े, और अगर जन विरोध करत है वह राक्षस है, और सुड़पुंखा वानी वानी के गोट करत है। आप तो सुनत हो, बड़ा शर्मसार करने वाला बयान है। कोई भी सरकार बनावे, कोई भी चुनाई में जीते और हारे, लेकिन एक दूसर ला राक्षस कह देना, और सबले बड़े शर्म के बाद ओखर बाद भाजपा के प्रवक्ता है आपके चैनल में धकड़ी से अतका विद्वान दर्शक मन सुनत हूँ खरागू मराम विचार नेता हमला जाए ठहराए काम करत, यह सबले बड़े चिंता के बात है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सभ्यता और संस्कृति कबूल हो है। दूसर बात, कोई बात कोई हाना में कहे, अलग लब्बो लुगा हंसी मजाक में कहे और माफी भी मगे अगर कोई लहट उठे, मैं समझता हूँ उमा बात है संभल थे और राजनीति के सुचिता भी अवस्थे कि एक दूसर के हम आदर सम्मान करत। आज कांग्रेस पार्टी लिए दूसर पार्टी लिए नेता ला खरीद के ले जा, VDIT के माध्यम से उला दबाव बना के ब्लैकमेलिंग करके उला डरवा धमका चमका के जेल भेज दबो की के ले जाओ अपन पार्टी में, ओखर बाद ओखर सो बयान दिलावाओ, ओखर बाद वो बयान के आधार पर जनता के बीच जाओ, तो आप मन का करे हो। उसका साल में 2014 ले लेके 24 तक एक 10 साल के समय बीत गए,
ना आदिवासी पर कुछ काम हो, इस गरीब पर काम हो, इस न कोई पर, खाली अदानी पर काम। हमार अंबिकापुर के हसदेव अरण्य के नाम में जंगल ल बेच दो, बस्तर के पहाड़ जंगल ल बेच दो अदानी ल, उतके बूता भारतीय जनता पार्टी करत है। और जैन विरोध करी आज तक जैन विरोध करे तेखर सम्मान रहे कि भाई विरोध में कहा थे कुछ सीखो, कुछ अगर गलत बात कहा थे वाला सरकार सुधारी। अभी ऐसा माहौल नहीं रहेंगे देश में। अब जैन विरोध कर दीस वो आतंकवादी, वो हिंदू विरोधी, हम पूजा करवो अगर तृप्ति जी मोर घर नहीं आई, मैं पूजा का आयोजन करें तो तृप्ति जी है राम विरोधी, नहीं तो राक्षस कुल में पैदा बता दी भाजपा। और इंखर पॉलिटिकल इवेंट जैन भी करे ओमा अगर कांग्रेस नहीं गीस तो राक्षस हो गए, राम विरोधी हो गए। अरे भैया तुम पूजा अलग डेट में करत हो, सरकारी आयोजन ला राजनीति का आयोजन बनात हो, धर्म के नाम पर मनखे मनखे ला बांटे काम करत हो, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ गुरु घासीदास बाबा ला ले लो या जतका भी संत बाबा हमर समाज के बड़े सर सयान सब हो, सब एक बात कहे कि आपस में मनखे मनखे एक समान रहे, सबके प्रेम बने रहे, सब एक दूसरे से जुड़े रहे। ये राजनीति पर लाठी चलाए के बात, राजनीति पर एक दूसरे ला राक्षस कहे के बात कबू नहीं हुई, न देश में होइस न छत्तीसगढ़ में होइस। ये काम ला कोई कर सकत है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। काबर लाठी चलाए की बात आप बताए रहे कि 10 साल में मोदी मरेगा, पूरा फेल हो गया सरकार है। जी तृप्ति जी कौन कह रही है लाठी चलाए के बात तो आपे के नेता कहीं से? तो हमार नेता है दूसर लब बोलू आप में कही, मैं आप पहली भी तृप्ति जी उदाहरण दे हूँ कि अगर वो ड्राइवर कही थे कि जाके डिबेट में सुनील चौधरी ल बने कचार पे भैया, तो मैं सुनील चौधरी ला टीवी में घुसर के नहीं कचा रहा हूँ, कड़ा से कड़ा राजनीतिक विरोध करी हूँ, तेने है कचारना है छत्तीसगढ़ी में। हम एक दूसर स्वेशन गुठियापन लब्बो लुआबो रही थे भाषा के, तो वह कौन परिपेक्ष में कही, सभी एमन कौन परिपेक्ष में कहा थे, रेणुका सिंह कैसे कही छत्तीसगढ़ में हाथ गोड़ काट दे जन कांग्रेस के काम करी, इनकर केंद्रीय मंत्री रही समय मोदी सरकार के। ये जो बयान है ये बयान है दोनों ला छत्तीसगढ़िया दर्शक मन ला, अमर गांव गांव के दर्शक मन के मैं दिमाग पर छोड़ता हूँ, उनका बुद्धि के स्तर में छोड़ता हूँ कि आज भाजपा है जन लाठी के दम पर सरकार चलाए कोशिश करत है, अमर लोकतंत्र और संविधान के अधिकार ल छीने काम करत है, आरक्षण के अधिकार ल छीने काम करत है, जल जंगल जमीन ल बेचक काम करत है, वो मन फैसला करे कि देश ल बचाना है। मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ उसके बाद फिर गोठिया हूँ आप दोनों झन ले। के शर्मा जी आपला काल दिखत है बस्तर के चुनाव तो संपन्न हो गए लेकिन अब 3 सीट है दूसरा चरण में और ज्यादा दिन बाचे नहीं है, हफ्ता भर में चुनाव होना है 3 सीट में, जिसमें भूपेश बघेल लड़त है, तामध्वज साहू लड़त है, दूसरा डहार बीजेपी है, तब मोदी के नाम ले लेके उमन मैदान में आगू है, का आपला समीकरण दिखते अभी पहले चरण के चुनाव के बाद में? देखो तृप्ति जी आप बहुत सारा लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं, बस्तर के मन जो है गरीबी से मुक्ति पर मतदान करे है, बोला राजनीतिक दल मन कतका समझा थे और कब तक गरीबी मुक्त हुई, विकसित भारत के बात हुआ थे तो विकासशील भारत ओमला का नमक और जो चना गुड़ चाहिए तो उन मन मिली कि नहीं मिली, कतका मिली, पानी आवास के बात करा थे, सिंचाई सुविधा के बात करा थे, शिक्षा के बात करा थे, स्वास्थ्य के बात करा थे, वहां ले एयरलिफ्ट करके घायल मन लाने की जरूरत पड़ते अतका तो वहां स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये तमाम प्रकार के मुद्दा में बस्तर के मन नंगा पैर जाके मतदान केंद्र में जो मतदान करे अत भीषण गर्मी में तो उनला राजनीतिक दल मन ला समझना है कि पूरा देश ला एक बड़ा संदेश है कि अतिक डर भय के माहौल में भी वहां का मतदान हुए। दूसरा चीज जो 3 सीट के मतदान होना है तो बहुत बड़का बड़का नेता मन चुनाव लड़ा थे, देखा तो भूपेश बघेल चुनाव लड़ा थे, ताम्रध्वज चुनाव लड़ा थे, और ये कांकेर में देखू तो मात्र 7,000 वोट से हारे वीरेश ठाकुर मैदान में है। आप मेन चीज कहा था कि जो ये नेता मन है तो अपन अपन क्षेत्र में अपन एक पकड़ रखते हो, भाजपा जो उन्हें लड़ाते थे प्रमुख रूप से कहूँ थे मोदी के चेहरा, मोदी के काम, मोदी के लोकप्रियता के नाम में चुनाव लड़ाते, मोदी गारंटी की बात कराते, तो ये मैं महत्वपूर्ण है किसान मन के का स्थिति रही, महिला मन के का भूमिका रही, गारंटी योजना के कतका लाभ मिले तेकर बात है, और किसान मन ला 3100 रुपया मिले है तेकर का स्थिति है, और जो कांग्रेस कहा थे 1,00,000 रुपया महिला मन ला मिली तो ओकर मन के का भूमिका हुई, का कांग्रेस ऊपर विश्वास करा थे कि मोदी ऊपर विश्वास करा थे, भाजपा ऊपर विश्वास करा, जातिगत के स्थिति महासमुंद में देख लो, यहाँ देखो तो पहले से भी चुन्नी लाल साहू के बात करे, चंद्रशेखर साहू के बात करे, चंदू लाल साहू के बात कर, साहू समाज के वहां अच्छा पकड़ है, और उमा जो ना ईश्वर साहू जाके कहा थे कि उकर बेटा जब खत्म हुई तो उन वक्त मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये मन नहीं की तो वो वहां विधानसभा चुनाव हार गए, तो वो महासमुंद में कतका असर पड़ी उकर बात के, तो अलग विषय है।
लेकिन वो जो रूप कुमारी के जो बात करू तो महासमुंद क्षेत्र में तो अगर पकड़ दिखते, जिसे आप जाना था कि बसना के तो वो बहू है, सराईपाली के बेटी है, लेकिन इतनी बार आगे बढ़ जाऊ राजिम कोती कुरूद और धमतरी कोती तो कटका आसन भाजकर पहचान है तो उन बात है। दूसरा चीज है उकरे चक्कर में मुला लगत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धमतरी में बड़का सभा होने वाला है, तेकर असर के बात है, वो काकेरला भी प्रभावित करी धमतरी भी करी। अब भूपेश बघेल के देखो तो भूपेश बघेल कोती किसान मन के बड़ा मुद्दा है, और तीनों सीट में देखू ना तो आप महासमुंद में तो चार चार विधायक है दोनों पार्टी के, और कांकेर और राजनांदगांव में बात करूं तो वहां पांच कांग्रेस के हैं और तीन जन भाजपा के। तो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव इतने खराब नहीं कह के जाए, वो बड़का नेता मन के का स्थिति है तो उन्हें, और भाजपा जो बात कर रहे थे तो राम राज्य लेके बात करे, सुर असुर संग्राम की स्थिति पैदा हुआ थी यहाँ, तो राम राज्य से राम से लेके राम राज्य की ओर कैसे जाई, का मुद्दा है, और जनता वाला काकर ऊपर विश्वास करी तो उन मेन बात है। और कुल मिलाकर के ये तीनों सीट है मुला लगते कि भाजपा के लिए ज्यादा मेहनत के बाद कहे जा सकते, क्योंकि कांग्रेस के जो हवे ना भूपेश बघेल अपन चेहरा मुख्यमंत्री रहे, राजनांदगांव आप देखो कि रमन सिंह रहे, मोतीलाल वोरा रहे, बड़े बड़े नेता मनोहर है, खैरागढ़ के राजघराना को वहां पकड़ रही शुरू से आप देखो पद्मावती के समय से। तो कहले का मतलब ये है कि ये क्षेत्र में जो मुद्दा मन उठा थे वो शब्दावली जो नावा थे तो वही बात कही जाओ, राम के जो बात है तो हुई है वही, जो राम रची राखा कहे जाते हो तो जो हुई तो राम के कृपा से ही होना है, वो मैं चाहे कांग्रेस की बात रहे चाहे भाजपा के बात रहे। भाजपा राम मंदिर बनाए के श्रेय लेवा थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद कांग्रेस कहा थे, कांग्रेस वहां नहीं गए तेकर का स्थिति बनी तुम देखे वाली बात है। अभी कुल मिला के बात यह है कि पूरा मामला में तीनों सीट है ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मैं कांग्रेस के जो बड़का नेता मन के तेकर मन के भविष्य दाम लगे कहे जा सकते। तृप्ति जी क्या थे, कतको नेता मन आए पाए बयान दे हैं, लेकिन सवाल ये खड़े होते कि आप मन के सरकार रही से तभे कतको कन घटना हुई, सब मुद्दा बना थे ना ईश्वर साहू चल दीस ना, साहू है हुआ चल दीस, तो ऐसे में नुकसान नहीं हुई का सवाल मोरसो है दीप्ति जी। हाँ अनिल जी आपसे सवाल है, ताम्रध्वज साहू जी हाँ ले लड़त है वहाँ ईश्वर साहू चल दे और बता थे मोर घर में नहीं आई रही से मोर बेटा मरीज था ओकर हत्या हुई था गृह मंत्री रही था। तृप्ति जी ईश्वर साहू हा विधानसभा में जिन सवाल उठाई कि सरकार बने के चार महीना में का कार्रवाई हुई का हो है आगे, वो ईश्वर साहू जैसे घटना जिन है जिन ओकर राजनीतिक इस्तेमाल है वहाँ के साहू समाज और पूरा जनता समझत है, भारतीय जनता पार्टी है चाहे साहू समाज हो चाहे आप पूरा देश में देख लो राजपूत समाज के विरोध हो चाहे कई जगह वामन ब्राह्मण समाज के अपमान हो चाहे कुर्मी समाज के अपमान हो, जातिगत आधार पर वोट ला यूज करना ओकर बाद ओला फेंकना ओकर अपमान करना यही लक्ष्य है। मोदी जी के भाई है छत्तीसगढ़ मायरी से तो कहीं सम साहू मन के भी बापन ओखर बाद साहू समाज के लगातार इन विरोध कर दिन कई थी साहू समाज के बड़े नेता के टिकट काट दिन, तो मेन है जनता हा मुद्दा में चुनाव देखा थे कि कक्का प्रकार के योजना जिन लोक कल्याणकारी योजना चलत रही तेन लाइन बंद कर दी चाहे गोबर खरीदी हो चाहे दूसरा मुद्दा हो बोला आखिरी के नियम है की योजना लगता बंद करना चाहिए। मुद्दा देखा थे ना जनता मुद्दा बता थी कांग्रेस भूपेश बघेल बताइस ना मुद्दा कि गोबर में घोटाला दिखी ओला बंद कर दे दारू में दिखी कबर बंद नहीं करे कहा था। हम बताते हैं मोदी के गारंटी में चुनाव लड़े रहे और 18 लाख पीएम आवास मिल के साए साए ओकर बाद 2 साल के बकाया बोनस मिल गए साए साए 70 लाख महतारी मल्ला महतारी बंधन के पैसा मिल गए साए साए 3100 रुपया धान के समर्थन मूल्य मिल गए साए साए ओकर बाद 21 क्विंटल धान ला ले लेन साए साए और अंतर के राशि एक बार में दे देन साए साए निःशुल्क राशन देवा देन 5 साल तक साए साए, तो काम हुआ थे यही जनता के भरोसा है। ये भूपेश बघेल जी हो चाहे ताम्रध्वज साहू हो चाहे बीरेंद्र ठाकुर हो तीन लोकसभा के चुनाव है तीनों जगह में हारी। कांग्रेस के नेता मन के फिर आपला
सबला खींच खींच के लाया था। नहीं वो खुद आया था मनो मल्ला, पता है कि कांग्रेस के अब कोई वजूद नहीं बचे है, कांग्रेस खत्म हो गए थे, मुक्ति है कांग्रेस के अभी छत्तीसगढ़। माफी के संग रोकना चाहता हूँ मैं। हाँ अब देखना है कि दूसरा चरण के चुनाव में 3 सीट पर जो के शर्मा जी भी बताया है समीकरण, जनता का सोचा थे जनता पर छोड़ना है, वोट दे पर अपील करना है सब जनला। बहुत धन्यवाद आपके हमारे संग जुड़े आए पर। जोहार, देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।